हाउस ऑफ जेडीसी के अंदर के मनाजर आपको पेश कर रहे हैं। आपके सामने आप देख रहे होंगे वीडियोस में कि जेडीसी में लोग आ रहे हैं और वो बहुत सारी बड़ी तादाद में एनआईसी अपनी जमा करा रहे हैं, अपने लेटर हेड जमा करा रहे हैं मस्जिद के, इमाम बारगाहों के, मंदिर के और मुख्तलिफ जगहों के, वो यहाँ पे जमा करा रहे हैं। इसके बाद जेडीसी उनके साथ चेक कर रहा है। आई मैं दिखाऊंगा ये इस वक्त जेडीसी के आईटी लैब के मनाजर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये सिर्फ आधे घंटे के अंदर जो हमने जमा किए सीएनआईसी उसमें किस तरह सॉर्ट आउट हो रही है। आईटी मेरे सामने ये सफजानी टाउन की एप्लीकेशन है, मेरे साथ है ये न्यू रांची के, मेरे पास है अब यहाँ से गुलशन गोपाल पिपरी सलाबगोड अलासिफ लियाकताबाद लियारी मंगोपी बल्दिया डाम औरंगी बिन लाजम औरंगी गांडी किसी तरह मेहमान और मुख्तलिफ गिड़ाब नाजमाबाद और किसी तरह और मुख्तलिफ रहा। दिखाने का मकसद ये है जो शख्स हमारे पास अपनी एनआईसी जमा करा के जा रहा है वो हमारे लिए काबिले एहतराम है, हम उसको सिस्टमेटिक वे से कर रहे हैं। अभी जफर भाई ने इससे पहले वाली वीडियो में बताया कि हमें परेशान नहीं करें, हम बहुत ही ऐसे तरीके से वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज दिखाया हूँ इसके बाद यहाँ से प्रोसेस होके कहाँ जा रहा है। आइए मेरे साथ। उस वक्त अपने जेडीसी के जो सिस्टम हमारा कंप्यूटराइज होता है उस वक्त यहाँ पे हम मौजूद है। आज दिखाऊँ क्या है, ये हमारे पास अनफाइल है जो अभी वहां पे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सजीव भाई तहसीन भाई देख रहे हैं ये सिस्टम हमारे पास यहाँ से एडिट हो रहे हैं, जो भी हमारे पास दरखास्त आ रही है वो जमा हो रही है। तो हसन भाई कौन सी लिस्ट है? ये वो लिस्ट है जो फूड पांडा के थ्रू जो हमने डिलीवरी हम कर चुके हैं। ठीक है, मुसोई क्या लिस्ट कर रहे हैं? ये राशन की डिलीवरी जो हम कर चुके हैं कोरंगी जी एरिया की उसकी एंट्री। ठीक है, इसके सामने भी लिख के लगा दी है आप अपने लोगों के लिए। मोहम्मद अली क्या कर रहे हो? जो एप्लीकेशन हमारे पास आई है उनको एंटर कर रहे हैं। ठीक है, दिखाने का मकसद ये है हमारा काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। सजीव भाई से बात करेंगे, सजीव भाई क्या है ये वो लेटर्स हैं जो यूसीएस की जाने से आए हुए हैं और उनकी जो काफी बड़ी तादाद में जिनकी वो है उनकी चेकिंग के चल रही है कि डुप्लीकेशन तो नहीं है, ऐसा कोई मामला तो नहीं है, वो वेरीफाई यहाँ से होकर वो कंप्यूटर अपडेट होगी और सुबह इन लोगों के इलाके में राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तहसीन भाई से बात चलते हैं, तहसीन भाई क्या सिलसिला है? मैं आज हमारा जो डोर टू डोर कैंपेन था वो सिलसिला जारी हो चुका है और काफी अरसे से हमारे क्रीकार थे, आज हमने फिर बेसिकली राइडर्स को घर पहुंचाने का सारा सिलसिला शुरू किया। तो ये तमाम तर हमने आज कोरंगी और लांडी का पूरा एरिया कवर किया, जितने हमारे पास कोरंगी लांडी की एप्लीकेशन आई थी हमने ये तमाम तर अपने राइडर्स को, सुबह आपने वीडियो देखी होगी हमने तमाम राइडर्स को रवाना किया था, वो तमाम तर चीज़ें मुकम्मल होने के बाद अब हम यहाँ पर ये पूरी लिस्ट है जिस लिस्ट को हमने तमाम तर लोगों का टेंशन में घबराए तो नहीं है ना? ना 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 काम मैनेज तरीके से हो रहा है, सबको एंटरटेन कर रहा है, टाइम लग रहा है लेकिन मैनेज तरीके से टाइम लग क्यों रहा है क्योंकि प्रोसेस में आ रहा है। प्रोसेस में टाइम कैसे लग रहा है? ये मेरे पास ये आज की दरखास्त है, ये सिस्टम से डल चुकी है, मोहम्मद ने डाल चुके हैं, इन पे हमारे पास से राशन जा चुका है, ये मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल से आई है, ये मुख्तलिफ हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से आई है, ये चर्चेस वगैरह से आई है, ये मुख्तलिफ चर्चेस से हमारे पास आई है, सबका बहुत ही ऐसा तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि पता चल जाए हमारे जेडीसी के रजाकार कितनी मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो रोजाना की बुनियाद पे खाना खाने से इस वक्त महरूम है। बहुत शुक्रिया।